हिंद स्वराज, अच्छा। यह हिंद स्वराज भी, हिंद स्वराज और ग्राम गीता और संत विनोबा भावे का स्वराज्य शास्त्र, ये स्वराज्य शास्त्र ये सभी का इसमें मैं है, एक ही इसमें ये की है कि भाई अहिंसा का मतलब का है, हिंसा और अहिंसा। और लोग तो बोलते थे कि भाई आदिवासी लोग जो है संपूर्ण ये हिंसावादी लोग हिंसा ही करते, तो क्या हिंसा और क्या अहिंसा ये समझ में ही नहीं आता। अहिंसा का जो है कि उस तरह से थोड़ा अहिंसा में क्या होता है कि वह एक सामूहिकता आता है, दूसरा है कि थोड़ा निस्वार्थ त्याग और अपमान सहन करने का शक्ति, कितने भी तरह की कोई भी आदमी मानिए तो अपमान सहन करना, मर जाएंगे लेकिन दूसरों को हटाना नहीं, ये जो मुद्दा है उसका ही एक प्रयोग। हम तो ये सुने थे लेकिन हम उसके कैसे प्रयोग करना, तो वो गोठुल में मेंढा लेखा में हो,